गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, माई सेल्फ भक्ता गुप्ता फ्रॉम विवेकानंद मॉडर्न अकेडमी। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर वेल। आर यू रेडी फॉर EBS क्लास? ओके, कम लेट्स स्टार्ट। टुडे वील बी डूइंग लेसन 14, आवर वंडरफुल वर्ल्ड। सो यू हैव टू ओपन पेज नंबर 100 ऑफ सैपलिंग बुक। ओके, डू यू नो वॉट इज द मीनिंग ऑफ आवर वंडरफुल वर्ल्ड? आवर वंडरफुल वर्ल्ड मीन्स हमारा सुंदर संसार। हमारा संसार सुंदर क्यों है आप जानते हो? हमारा संसार सुंदर क्यों है? क्योंकि हमारे संसार में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, है ना, ओशियन है, सी है, डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, सन मून एंड स्टार है। तो ये सब ब्यूटीफुल है ना, इसीलिए हम अपने वर्ल्ड को ब्यूटीफुल कहते हैं। ओके, नाउ सी द इंडेक्स चैप्टर 14 अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड पेज नंबर 100। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ओके, हमारा वर्ल्ड इसीलिए सुंदर है क्योंकि इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं। कहीं हिल स्टेशन चले गए तो वहाँ आइस ही देखा, अगर हम डेजर्ट चले गए तो वहाँ रेगिस्तान में हमने क्या देखा? रेगिस्तान में क्या रहता है? रेत रहती है। और अगर हम फॉरेस्ट के एरिया में जाएँ तो वहाँ पर हम ट्रीज देखते हैं और एनिमल्स देखते हैं। तो इसीलिए हमारा वर्ल्ड क्या है? ब्यूटीफुल। ओके, नाउ सी द फ्रंट पेज अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसमें ये एक पैरट है, इसका नाम टोटा है, और ये स्काई में फ्लाई कर रहा है, और उसको ऊपर से फ्लाई करते समय कौन कौन सी थिंग्स दिख रही हैं उनको हमें सर्किल करना है। देखिए, मैंने रेड पेन से जो सर्किल कर रखा है ऐसे ही आपको बुक में ही एक्सरसाइज सर्किल करनी है। ओके, और जो उसको नहीं किया है उसको आपको भी नहीं करना है क्योंकि वो उसको ऊपर से नहीं दिख रही है, सन और क्लाउड उसको ऊपर से नहीं दिख रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट, हमारा ब्यूटीफुल प्लैनेट। ओके, अब हमने आपको भी बताया कि हमारा वर्ल्ड ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देखते हैं। अर्थ इज डिफाइंड एज द प्लैनेट दैट विल लिव ऑन, इट इज ओवल इन शेप, ओके, लाइक एन एग, एंड इट इज मेड ऑफ लैंड, एयर, वाटर एंड लाइफ। माउंटेन्स, वैलीज एंड प्लेन्स मेक अप द लैंड। ओशियंस, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम, रेन, स्नो एंड आइस आर मेड ऑफ वाटर। देखा आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी? वैसे भी आपको एक चीज़ और बता दें कि हमें किस चीज़ की नीड बहुत ज़्यादा पड़ती है, एयर एंड वाटर की। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज। अब देखिए, इसमें हमने आपको बताया ना कि हम लोग वर्ल्ड में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, फॉरेस्ट, डेजर्ट, है ना, हिल्स, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो जब हिल्स में जाते हैं तो हम स्नो स्नो ही देखते हैं, और स्नो वाले एरिया में क्या पाया जाता है? पेंगुइन। और अगर हम डेजर्ट जाते हैं जहाँ पर हम रेत ही रेत देखते हैं, वहाँ पर कैमल। ओके, और अगर हम फॉरेस्ट एरिया को देखते हैं तो उसमें हमें एनिमल्स एंड प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज वगैरह। ओके, नाउ हम स्काई में क्या क्या चीज़ें देखते हैं? अगर हम मॉर्निंग में देखते हैं तो हम सन देखते हैं, है ना, व्हाट इज द कलर ऑफ सन? येलो, है ना, सन का कलर कैसा होता है? येलो। और हम ये कब देखते हैं? मॉर्निंग में। हु गिव अस हीट एंड लाइट? सन गिव अस हीट एंड लाइट, है ना। इन द मॉर्निंग वी कैन सी द सन इन द स्काई, ओके, और क्लाउड भी देखते हैं। और नाइट में हम क्या देखते हैं? मून एंड स्टार। नाइट में क्या देखते हैं? मून एंड स्टार। सो हमें देखा आपने वर्ल्ड में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? ओके, ना मून एंड स्टार, हमारा क्या होता है, मून का शेप चेंज होता रहता है ना। रात में हम बहुत सारे स्टार्स ट्विंकलिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन मून का शेप चेंज होता रहता है। कभी हमको वो पूरा दिखता है तो कभी आधा दिखता है ना। तो मून का शेप क्या रहता है? चेंज होता रहता है ना। और मून और स्टार कब हम देखते हैं? नाइट में। ओके, सो द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ फायर, आग का गोले की तरह सन दिखता है ना, इट गिव अस हीट एंड लाइट। और मून का क्या रहता है? मून हमें नाइट में दिखता है। आफ्टर द सनसेट इवनिंग सेट्स इन एंड द स्काई इज नो लॉन्गर ब्राइट, द मून एंड स्टार्स कैन बी सीन शाइनिंग इन अ क्लियर नाइट स्काई, है ना। द मून हम नाइट में देखते हैं। द स्टार लुक वेरी टिनी बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम फॉर अवे फ्रॉम अस, है ना, वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। हम उनको दिन में नहीं देखते क्योंकि वो सन की इतना शाइन करता है सन कि उसकी रोशनी में हम स्टार को नहीं देखते हैं, है ना। आफ्टर द सनसेट, जब सनसेट हो जाता है तब ही हम देखते हैं।
तो आपने देखा सन मून और स्टार को. ओके नाउ सम एक्सरसाइज. सो लुक एट द एक्सरसाइज राइट. वाई फॉर यस एंड एन फॉर नो. इसमें आपको यस और नो लिखना है. द सन इज अ स्टार यस. द अर्थ गिव अस एयर एंड वाटर यस. वी कैन सी द स्टार्स इन द मॉर्निंग नो. द मून कीप्स चेंजिंग इन शेप यस. ओके नाउ नेक्स्ट डू यू सी द पैटर्न. आपको इसमें पैटर्न कम्प्लीट करना है. आप देख लो पहले सन बनाए फिर स्टार फिर मून फिर सन फिर क्वेश्चन मार्क मार्क दिख रहा है आपको. यहाँ पर आपको सीक्वेंस में क्या बनाना है स्टार. नेक्स्ट क्लाउड फिश क्लाउड बर्ड फिश फिर क्वेश्चन मार्क. इसमें आपको क्या बनाना है क्लाउड. नेक्स्ट अर्थ मून स्टार अर्थ मून लास्ट में स्टार. सो आपने देखा आपको ये एक्सरसाइज बुक में ही जन करनी है ना. अब आपको एक एक्टिविटी हम दे रहे हैं. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है एक आपको चार्ट आपको एक एक्टिविटी करनी है. आपको एक चार्ट पेपर लेना है जिसमें आपको सन मून एंड स्टार को ड्रॉ करके कलर करना है. आप इसको ड्रॉ करके कलर भी कर सकते हो और कट पेस्ट का वर्क भी कर सकते हो. सो आपको ये एक एक्टिविटी चार्ट पेपर में करनी है. ओके सो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो विल मीट यू. टिल देन बाय बाय.